हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है। हम जल्दी और झटपट बनने वाला स्वीट तैयार करते हैं। तो आज मैं गुलाब जामुन मिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रसदार गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम गुलाब जामुन मिक्स बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन हर दुकान पे इजीली मिल जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये हम मार्केट से लेके आए हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे टेप लगा होता है, काट लेंगे। और इस पैकेट को हम कैंची की मदद से ऐसे काट लेंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें पाउडर को निकाल लेंगे। अब हम इस पाउडर को हाथ से पहले ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें जो एक दूसरे से चिपका है वो अच्छे से खुल जाएगा। अब हम इस गुलाब जामुन मिक्स को दूध से ही छानेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, क्योंकि ये मिक्स रहता है, इसमें ज़्यादा दूध ऑब्जर्व नहीं करता। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे, नहीं तो गीला हो जाने पे ये अच्छे से शेप नहीं ले पाता है। तो ऐसे हम अच्छे से मसलते हुए गुलाब जामुन मिक्स का डो तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हमने हाथ में 3 से 4 बार दो दो चम्मच दूध डाला तो ये मिक्स अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको अच्छे से ऐसे मसल के डो तैयार कर लेंगे। तो हमने गुलाब जामुन मिक्स का डो बनाने के लिए 10 से 12 चम्मच दूध यूज करना है। ज्यादा दूध की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हमें ज्यादा हार्ड भी नहीं करना है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। एकदम मीडियम तरीके का डो तैयार करना है, जिससे अच्छे से गुलाब जामुन बहुत तैयार हो जाए। तो हमने डो को गूंद लिया। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार करेंगे। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। हम एक चौड़ी मुंह वाला बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम आधा किलो शक्कर डालेंगे और इसमें हम 300 ग्राम पानी डालेंगे। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और चलाते हुए हम शक्कर को पिघलाएंगे। अभी तो हम इसे तेज फ्लेम पे ही पिघलने के लिए चलाते रहेंगे। चाशनी हमें थोड़ी ज्यादा तैयार करनी होती है, क्योंकि गुलाब जामुन मिक्स में चाशनी ज्यादा लगता है। हमने 200 ग्राम पैकेट का गुलाब जामुन मिक्स लिया, उसके लिए हम 500 ग्राम शक्कर का चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो इसे चलाते हुए हमें अच्छे से पिघलाना है। शक्कर पिघल चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम चाशनी को साफ कैसे करते हैं वो ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। इसमें हम 4 चम्मच दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से एक उबाल आने देंगे। चाशनी को हमें चलाते रहना है।
तो ये दूध जो है जितनी मैली रहेगा उसको अपने में लपेट के और निकाल लेता है, और अपनी चाशनी जो है एकदम क्लीन तैयार हो जाती है। तो इसे हम एक उबाल तक अच्छे से चला लेंगे। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, शक्कर में जितनी मैली थी वो दूध ने अपने साथ ऐसे इकट्ठा कर लिया है, यानी कि सारी मैलियाँ दूध में निपट जाती हैं। अब हम इस सारी दूध को छान लेंगे। तो हम एक चाय वाली छलनी लेंगे और ऐसे घुमाते हुए सारे गंदगी को ऐसे छान लेंगे और एक बाउल में ऐसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने चाशनी से सारे दूध को छलनी की मदद से अलग कर लिया। आप एक बार फिर से देख लीजिए अपनी चीनी की चाशनी कितनी फ्रेश तैयार हुई है। तो ये रहा चाशनी क्लीन करने का तरीका। अब हम चाशनी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए 6 से 7 इलायची को दरदरा कूट के इसमें डाल देंगे। इससे चाशनी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अभी हम इसके टेस्ट को और बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा केवड़ा जल डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें आधा चम्मच केवड़ा जल छोड़ देंगे। इससे खुशबू बहुत सुंदर आती है और खाने में स्वाद भी अच्छा लगता है। तो ये अपनी चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अच्छी खासी उबाल आ चुकी है। इसे हमें कोई ताड़ की नहीं बनानी होती है, जस्ट शक्कर पिघल जाए और एक हल्की सी इसमें चिपचिपाहट आ जाए तो हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना होता है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम गुलाब जामुन तैयार करेंगे। तो चलिए हम डो को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कवर को हटा के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी डो जो है एकदम स्मूथ तैयार हुई है। इसे हम एक बार फिर से मसल लेंगे। अगर आपको ड्राई लगे तो 1/8 चम्मच दूध या पानी का छिड़काव करके अच्छे से डो को मसल लीजिए। तो चलिए हम इसके गुलाब जामुन तैयार करते हैं। थोड़ा सा हम डो लेंगे और इसको ऐसे करके एक साइज का हम इसका बॉल्स काटेंगे। आप अपने मनपसंद साइज का बॉल्स काटिए, बड़ा, छोटा, मीडियम, जैसा इच्छा हो वैसा बॉल्स तैयार कीजिए। अब हम थोड़ी सी घी से हाथ को चिकना कर लेंगे। ऐसे हाथ को हम चिकना कर लेंगे। हम एक एक डो को उठाएंगे और हथेलियों से ऐसे मसलते हुए, जितना हम मसलेंगे उतना ही अच्छा बॉल्स तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं ये हथेली पे मसलने के बाद एकदम स्मूथ होते हुए ये चिकना बॉल तैयार होता है। आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ कितना बढ़िया बॉल्स तैयार हुआ है। तो बाकी के भी हम ऐसे ही बॉल्स को मसलते हुए तैयार करेंगे, यानी कि सभी गुलाब जामुन को हम तैयार कर लेंगे एक साथ में। अभी ये दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन फ्राई करके जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो हम इतने बड़े बड़े बॉल्स तैयार करेंगे। तो हमने आधा गुलाब जामुन मिक्स डो में से लेके 10 से 12 गुलाब जामुन का बॉल्स तैयार किए हैं। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे और फिर बॉल्स बनाते जाएंगे। नहीं तो क्या है, एक साथ में बॉल्स तैयार करके रखेंगे तो बॉल्स सूखने लगेंगे, फिर तो वो फटने लगता है। तो चलिए हम अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम घी को चेक कैसे करेंगे, डो में से हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और चेक करेंगे। तो घी अपना परफेक्ट गर्म है। हमें घी को ज़्यादा नहीं गर्म होने देना है, एकदम मीडियम घी में हम बॉल्स को डाल के फ्राई करेंगे। फिर तो ये अच्छा सा कलर तैयार होता है। तो ये बॉल्स को हम ऐसे निकाल दे रहे हैं और इस घी में हम
चार से पांच बॉस धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसे हम एक बार में जितना आ सके उतना बॉस छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप गुलाब जामुन या तो घी में या रिफाइंड में या वनस्पति में अपने इच्छा अनुसार सेक सकते हैं। बॉस को हम हल्का हल्का ऐसे ही जाएंगे, ज्यादा प्रेस देके हमें नहीं उलटना है इसे। और चलाते हुए इसे हम गुलाब जामुन का कलर आने तक सेकेंगे। फिर से ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो होना चाहिए। गुलाब जामुन को हमने 10 से 12 मिनट तक चलाते हुए एकदम मध्यम फ्लेम पे फ्राई किया, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम गुलाब जामुन का असली कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। छड़नी पे इसे हम आधा मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। और गर्मा गर्म गुलाब जामुन हम चाशनी के तरफ ले चलेंगे। चाशनी अपनी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम गुलाब जामुन को छोड़ देंगे और इसे हम अच्छे से डुबने देंगे। एक चम्मच से हम धीरे धीरे ऐसे चला देंगे जिससे चारों तरफ अपनी रस लग जाएगी। और इसे 10 से 15 मिनट में अच्छे से रस को अब्जॉर्ब होने देंगे। तब तक हम दूसरी बैच निकाल लेते हैं। तेल अपनी गर्म ही है, हमने सारे बॉल्स भी तैयार कर रखे हैं, तो इसी तेल में हम एक एक बॉल को ऐसे छोड़ देंगे। हमने साइज बड़ा किया है, आपको जैसा बॉल्स पसंद है उस टाइप से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने इसमें 25 बॉल बनाए हैं और इसे हम सेम प्रोसेस से मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक ऐसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो हमने दूसरा बैच भी चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है गुलाब जामुन को। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। तो ऐसे हम झड़ने की मदद से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे। गैस के फ्लेम को भी हम ऑफ कर देंगे, ये लास्ट बैच है अपना। और इसे हम ले चल के चाशनी में छोड़ देंगे। तो हमने पहला वाला बैच जो भी आया था वो देख सकते हैं डबल होने लगा है, तो साइड साइड में हम इसे भी ऐसे डाल देंगे। और करीबन हम इसे आधा से 1 घंटा रस को चूसने के बाद आपको दिखाएंगे ये फूल के कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। ऐसे हम चम्मच चला के चारों तरफ रस में डुबा देंगे और इसे हम 1 घंटे बाद आपको दिखाते हैं। 1 घंटे बाद हम गुलाब जामुन आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए गुलाब जामुन ने रस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, एकदम होटल जैसे रश वाली गुलाब जामुन तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमने गुलाब जामुन मिक्स बना के कैसे तैयार किया है। इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बनाने के बाद आप मार्केट से गुलाब जामुन लाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप इस दिवाली पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।